हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और इस वीडियो सेशन में एक शॉर्ट वीडियो सेशन है, इसमें बात करेंगे आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में। जी हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मामले में सुनवाई होनी है और सारे एस्पायरेंट बीट अटेम्प्ट बार बीट एज बार और बीट दोज एस्पायरेंट्स हु डिडंट अटेम्प्टेड द एग्जाम बट स्टिल एज बार आइदर एज बार Either got aged bar for the next year, that is this year. So, आज जो सुनवाई होनी है फ्रेंड्स, ये अभिषेक आनंद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, इसमें जैसा कि लास्ट दिन जब हियरिंग थी 19 जुलाई को, तो उस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में यूनियन ऑफ इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव ने उसने कुछ समय मांगा था, तो समय उनको सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मुहैया कराया था दो तीन दिन का। और आज ये फिर सुनवाई होनी है, तो इस सुनवाई अभी 10:21 हो रहा है, तो जैसे ही ये सुनवाई एक्सपेक्टेड है कि 11:30 के आसपास ही सुनवाई होनी है, जैसे ही सुनवाई स्टार्ट होती है मैं आपके समक्ष ताजा अपडेट लेकर आऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सारे जो एस्पायरेंट्स है, जी हाँ, टोटल 10,336 एस्पायरेंट्स जो है जिनका या तो अटेम्प्ट बार हो चुके थे या फिर एज बार हो चुके थे लास्ट ईयर की पीटी के बाद से, उनकी उन पे सुप्रीम कोर्ट की निगाहें उन सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के इस केस पे अटकी पड़ी है। बहुत सारे लोग बहुत अपने हर लेवल से कोशिश कर रहे हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव के थ्रू, कुछ जुडिशरी में पेटिशंस के थ्रू, और कुछ लोग प्रोटेस्ट के थ्रू, कुछ एस्पायरेंट जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए थे लास्ट वीडियो में, मैंने बोला था कि डोनेट ना करें, ऐसा मैंने नहीं बोला था, डोनेट करें, सही लोगों को डोनेट करें और जरूर करें, क्योंकि ये सुनवाई काफी महंगी पड़ रही है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक आदमी या दो आदमी के बस का नहीं है, और वैसे भी 10,336 में सबसे कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है और बहुत लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है, तो उम्मीद छोड़ने की वाली कोई बात नहीं है, बहुत उम्मीद है कि अटेम्प्ट मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपको सहयोग करने की जरूरत है, लेकिन राइट पीपल को सहयोग करें जो इस केस से या तो जुड़े हुए हैं, नहीं तो बहुत सारे छोटे मतलब ग्रुप हैं जिनका केस से कोई लेना देना नहीं है, और वो लोग भी ग्रुप बना करके, टेलीग्राम ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के कुछ धन उगाही जैसा काम कर रहे हैं, बट आई डोंट नो उनसे क्या करना है, बट राइट जेन्युइन पीपल जो जुड़े हुए हैं उन सब अगर आप फंडिंग फंड करना चाहते हैं, कुछ असिस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल करें, बेझिझक करें, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सुनवाई है, बहुत ही क्रिटिकल हियरिंग है, और यहाँ खराब एडवोकेट मामले को खराब हरा सकता है, तो ये फाइट जस्टिस की है, और अगर जस्टिस भी सही तरीके से अगर अपनी बात नहीं रखी जाए तो जस्टिस को इनजस्टिस बनने में सिर्फ दो ही वर्ड ऐड करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, और बहुत ज्यादा निराशावादी होने की भी जरूरत नहीं है कि नहीं मिलेगा, इससे पहले कितने खारिज हो चुके थे एंड ऑल दैट। भाई, जो लोग निराशावादी हैं तो आप अटेम्प्ट की तरफ क्यों देख रहे हो, जो 5 बार 6 बार में नहीं निकाल पाए इतने, या फिर जितने भी 32-33 साल की उम्र तक नहीं निकाल पाए, तो अभी क्या एक अटेम्प्ट में तीर मार लोगे? अगर निराशावादी होना है तो दूसरी तरफ भी हो, सिर्फ यहीं पे निराशावादी होके क्या करोगे? तो बी ऑप्टिमिस्टिक, उम्मीदें हैं, ऑब्वियसली उम्मीदें हैं, तभी एस्पायरेंट लगे हुए हैं, तभी लोग जी जान से बताया है ना, प्रे कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ जिनके बस में जो कुछ हो पा रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं इन पॉजिटिव वे, कोई एग्जीक्यूटिव से मिल रहा है, अपनी बातें रख रहा है, ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर ओन लिमिटेशंस, बट फिर भी मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि उसने ये कर दिया वो कर दिया। फ्रेंड्स, सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं, सब अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं, सबको अटेम्प्ट चाहिए, और हाँ, कुछ लोग नैरो माइंडेडनेस के साथ है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम, प्लीज अभी भी नैरो माइंडेड छोड़ दो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जो एज बार्ड हैं उनको लग रहा है कि उनको मिल जाएगा, और अटेम्प्ट बार हैं, अटेम्प्ट बार वाले उनको लग रहा है कि उनको मिल जाएगा। भैया, ऐसे लड़ोगे तो किसी को भी नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, और मिलेगा तो दोनों को मिलेगा या फिर सबको मिलेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगा। 10,336 में गवर्नमेंट का पर्पस ही था डिफ्रेंशिएट कराने का, और आप डिफ्रेंशिएट हो भी गए तो गवर्नमेंट तो वही डिवाइड एंड रूल वाले पे चल रही है, और बेटा आप भी वही कर रहे हो, तो ये सब पागलपन छोड़ो और टोटल 10,336 एस्पायरेंट के सोचो, आप अटेम्प्ट बार और एज बार लोगों के बहुत बड़ा कोई तमगा नहीं ले रखा है।
दोनों के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, दोनों के उतने ही चांस हैं जितने किसी और के भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। मैं अगर कुछ ताज़ा अपडेट आते हैं तो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित